न कार्तिक समो मासो न कृते न समं युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। जिस तरह सत्युग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। इस मास के दरमियान ही भगवान श्री हरि विष्णु अपने योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक में भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से जो कुछ भी किया जाए वो अक्षय हो जाता है। ये मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभता से मिलती है, अतः इसे प्राप्त कर व्यक्ति को इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसके फल स्वरूप इसका कभी पतन ना हो। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और ये सबसे पुण्यमय और पवित्र वस्तुओं में से सबसे पवित्र और पुण्य प्रदायक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास कब से आरंभ हो रहा है। हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष का आठवां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर और नवंबर में आता है। इस वर्ष 2024 कार्तिक मास 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से शुरू होगा और 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सभी इस्कॉन मंदिरों में हम कार्तिक मास का पालन प्रारंभ करते हैं अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन से, यानी हम कार्तिक मास का पहला दिन 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से ही मनाएंगे और पूर्ण होगा 15 नवंबर शुक्रवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः 4:55 पर, और सूर्योदय होगा 6:31 पर। इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है, यानी वही दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य किया था। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस त्रिलोकी नाथ को बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे यशोदा नंदन कृष्ण को इसी मास की दिवाली के दिन यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था, यानी भगवान की उखल बंधन लीला भी इसी मास में हुई थी। चातुर्मास में आने वाला ये कार्तिक मास इन चारों मासों में सबसे श्रेष्ठ है। इस मास में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्यों के अत्यंत निकट वास करते हैं और स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, मिट्टी, कपड़े आदि जैसे प्रसाद स्वीकार करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है और उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्षय फलदायी कहा है। कार्तिक में मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो कुछ भी दान करता है वो उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है। उस समय अन्न दान का विशेष महत्व है, ये समस्त पापों का नाश करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराया भोजन नहीं करता उसे अतिकृच्छ यज्ञ का फल मिलता है। कार्तिक के समान कोई श्रेष्ठ मास नहीं, सत्युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं। दान करने से अर्जित किए हुए धन की शुद्धि होती है। व्यक्ति के लिए धर्म पूर्वक अर्जित धन का दान करना दुर्लभ है। तीर्थ स्थानों पर किया गया दान तो और भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास में धाम वास करने का भी विशेष महत्व है। जो मनुष्य दान इत्यादि करने में असमर्थ है उसे प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस मास के दरमियान हमें पीपल के वृक्ष और तुलसी के सानिध्य में बैठकर जागरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की लीला कथा का श्रवण कीर्तन कर अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। कार्तिक मास के दरमियान ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन और दीप दान का भी विशेष महत्व है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ तुलसी देवी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास है। इसे देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में विभिन्न तीर्थों या गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि जैसी पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके अपना तपस्या, यज्ञ और दान करे, भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके पुण्य फल की प्राप्ति करे। इस मास में उपवास और तपस्या, दान जैसे कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ और सबसे मंगलकारी कहा गया है। कार्तिक मास दामोदर मास भी कहलाता है। इस मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है।
तो इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए आने वाले कार्तिक मास का पूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस कार्तिक मास में क्या विशेष करना चाहिए, तो उसकी व्रत विधि क्या रहेगी, उसके ऊपर आप एक विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, इस कार्तिक मास में हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर कृष्णायन कथा भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी आप सभी को इतने समय से प्रतीक्षा थी। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन पर आधारित इन सुंदर एनिमेशन कथाओं को देखने के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो आपके अपने इस चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर कार्तिक मास में प्रतिदिन एक नहीं दो नई कथाएं आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए आने वाले परम पावन कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की भक्ति करके हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा।